दीपांशु जी, गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्कार मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? आई एम वेरी वेल, हाउ आर यू? विशिंग यू वेरी हैप्पी आई एम डूइंग इंडिपेंडेंस डे। सेम टू यू मैम. आई इट्स एम अ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम एक्साइटेड डूइंग द दीपांशु जी। जी इट्स सेम इट्स अ फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग द इंस्टा लाइव, सो यू हैव टू गाइड मी थ्रू. आई कांट सी माय पिक्चर, सो आई एम विजिबल, ऑडिबल, इज इट यस एवरीथिंग यस गुड? एब्सोल्युटली, यू आर विजिबल, यू आर ऑडिबल, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं जानती हूँ कि आपका फोकस इंस्टाग्राम पे नहीं है, शायद ये ही माध्यम है नो टू वर्ड, गेट यू ऑन टू इंस्टाग्राम। एज यू विश मैम. आपने बोला कि इंस्टा पे कर रहे हैं, तो बाकी लोग इंस्टा पे आ गए. थैंक यू सो मच, वेरी काइंड ऑफ यू दीपांशु नो प्रॉब्लम. जी। सबसे पहले तो आई वांट टू आस्क यू कि आप, हाउ डिड यू गो फ्रॉम बीइंग अ रोबोटिक सुपरवाइजर, अंडरवाटर रोबोटिक सुपरवाइजर, टू बीइंग अ वैदिक एस्ट्रोलॉजर? ये कैसे हुआ शिफ्ट? ये शिफ्ट इस तरीके से हुआ कि 2015 के अंदर ऑयल प्राइसेस सडनली स्लंप डाउन हुए, एंड जब ऑयल प्राइसेस स्लंप डाउन हुए, आई कांट सिट आइडल एट होम, आई हैव टू रीड समथिंग, आई हैव टू डू समथिंग. सो आई स्टार्टेड रीडिंग वेरियस सब्जेक्ट्स, फ्रॉम वेबसाइट डिजाइनिंग, लर्निंग एल्गोरिथम्स, कोडिंग. ज्योतिष केम अलॉन्ग व्हेन आई वाज लर्निंग डेटा साइंस. सो आई सेड ओके, इट्स अ टाइप ऑफ ए डेटा साइंस. वो डेटा साइंस की तरह है कि सैटर्न एक पोजीशन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जाता है, एंड कुछ फैमिली बैकग्राउंड था, कुछ फैमिली हिस्ट्री थी. वाइफ को मुझसे ज्यादा आता था, तो वो हमेशा पेन कर अच्छा, रही थी. तो मेरे को था कि अगर अगर इसको हराना है तो लर्न ज्योतिष. सो आई स्टार्टेड लर्निंग. जी नो देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन, बिकॉज आप कुछ करने जा रहे हैं, सडनली वाइफ सेइंग आज मुहूर्त नहीं है, एंड लाइक कोई तो लूप होल निकालना पड़ेगा ना अभी. तो वो करने के लिए आपको उससे ज्यादा अच्छा बनना पड़ेगा, बिकॉज ये कॉम्पिटिशन आपके यहाँ सामने जब तक नहीं आता. लाइक दैट्स हाउ लर्न आई बिकेम वेरी गुड इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स, बिकॉज एक टीचर को हराना था. आई थिंक कि अभी टीचर के साथ रेवेंज लेना ना, तो वॉट्स द बेस्ट वे टू डू इट. एंड ये कैंसर असेंडेंट का प्रॉपर्टी है. अगर कैंसर असेंडेंट है तो 6th हाउस में सैजिटेरियस साइन है. सैजिटेरियस डिनोट्स योर हायर लर्निंग. सो वॉट यू डू, कैंसर असेंडेंट्स क्या करते हैं, वो इतना तैयारी करते हैं फिर युद्ध के लिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग वॉर के लिए. वो एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं करे, वो लॉन्ग टर्म प्लान करता है, पूरा पढ़ लेता है. देन नाउ यू टेल मी द रूल्स कि आज ये नहीं कर सकते हैं, आई विल टेल यू द लूप होल्स कि कहां से वो लूप होल निकल के आई कैन बाईपास इट. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. इंटरेस्ट आता गया, एंड वन डे आई थॉट, यू नो, एक देयर इज ऑलवेज अ मोमेंट इन योर लाइफ वेयर यू हैव टू डिसाइड कि ज्योतिष करना है या रोबोटिक्स करना है, क्योंकि दोनों साथ नहीं चल पा रहे. बिकॉज आप जब फ्लाई कर रहे हैं और आपके ब्रेन में चल रहा है सैटर्न इज गोइंग टू कंजंक्ट मून, सिस्टम खराब होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपका ब्रेन तो वहां रन कर रहा है. और बिल्कुल सी व्हेन यू आर सुपरवाइजर, तो आप सुपरवाइजर एज ए पोस्ट पे, आप अपने डिसीजन को ज्योतिष के ऊपर नहीं चला सकते. यू कांट से कि मैं आज के दिन प्रोजेक्ट नहीं चालू करूंगा. और ऐसा हुआ भी एक प्रोजेक्ट के अंदर, जब एक प्रोजेक्ट था सावधि का, मैंने बोला ये सबसे खराब मुहूर्त है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का, मत करो. इवेंचुअली उस प्रोजेक्ट के अंदर इतना प्रॉब्लम था कि उस प्रोजेक्ट में जितने भी चीजें थी ना शिप में, सब खराब हुई. क्रेन खराब हो गया, कभी कोई शिप से नीचे गिर गया, फाइनली शिप में आग लग गई. माय गॉड। अच्छा या इट वॉज इन 2017, उस शिप में आग लगी और जी, इवैक्यूएट करना पड़ा ऑयल फील्ड से. अब उससे अगर ऑयल फील्ड में अगर किसी के शिप में आग लग जाए तो आपको वो बाहर निकालना और बैन भी कर देना उस शिप को जब तक वो क्लियर नहीं होता. देन लेटर ऑन मेरा बॉस, ही वाज अ पैलेस्टीनियन पर्सन, वो मेरे को बुलाया. बस उसने मेरे को पूछा कि मेरे को पता था कि यू आर नॉट इन फेवर टू स्टार्ट ऑन दिस डे, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड टेकिंग मुहूर्त सा, बट डू नॉट टेल एनीवन. हाँ यू वॉन्ट टू देख ए मुहूर्त, यू टेल मी, आई विल अरेंज इट, विल बाईपास इट, बट कंडीशन है बोलना नहीं किसी को ऑफिस में. दैट्स हाउ ना बॉस ऑल्सो न्यू, दे ऑफर्ड मी द डेस्क जॉब. अभी एट द एज ऑफ 32 33, व्हाट हैपेंस इज इट्स अ स्लो डाउन टाइम, योर ब्रेन स्टार्ट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग एट दैट पर्टिकुलर पेस, और इट्स अ टफ जॉब टू हैंडल आउट. So they said, boss said, okay, now you take the government job in UAE, you come sit on the desk.
एंड मेरे को पता था मैं डेस्क जॉब नहीं कर सकता, मतलब इट रिक्वायर्स यू टू बी नॉर्मल फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द डे. आपको एटलीस्ट नॉर्मल बिहेव तो करना पड़ता है कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है एटलीस्ट ब्रेन में. तो वो मुझे पता था कि बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पे हर कोई नॉर्मल, बिकॉज शिप पे तो सब आपको यू नो कि शिप पे तो सबके सब ऑल पागल लोग हैं जिनको कोई घर में या ऑफिस में नहीं बैठ सकते, तो वो शिप पे हैं. तो दे आर ऑन सेम फ्रिक्वेंसी विद यू, यू इंसल्ट देम दे विल इंसल्ट यू बैक, और वो अच्छा है, दे आर द प्रॉपर पीपल. बट इन ऑफिस यू हैव टू बी वेरी डिप्लोमैटिक, क्योंकि द मोमेंट यू विल से समथिंग डेफिनेटली आर गोइंग टू ऑफेंड 10 पीपल. तो देर वॉज अ टाइम पीरियड कि मैं अपने बॉस के ऑफिस में घुसता था और मैं पूछता था आज मैंने क्या किया है, अब कौन बंदा कौन सा व्यक्ति ऑफेंड हुआ है मुझसे, ऐसा कौन सा काम किया मैंने आज. सो वो एक ना एक हैबिट हो गया था कि आई एम द यू नो द यूजुअल सस्पेक्ट कि ये इस नहीं करें. देन इवेंचुअली टाइम केम, आई सेड ओके इट्स फाइन. अभी एक दिन बेटी ने बोला कि पापा अभी वेयर आर यू गोइंग, आई सेड कि आई वाज एक्सप्लेनिंग हिम द टर्म्स फ्रॉम द मेजर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड शी वाज इन क्लास आई थिंक नर्सरी और केजी समवेयर, वाज पिकिंग अप फ्रॉम द स्कूल. बेटी ने बोला कि पापा अगर आप नहीं जाओगे ना आई विल गिव यू $100 million. आई सेड ये तो बहुत अच्छा अमाउंट है, इतना अच्छा अमाउंट अगर मिलता हो, बिकॉज मैं उसको समझा रहा था कि बेटा अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो इवेंचुअली इट रन्स डाउन टू द मनी कि इतना इतना प्रोजेक्ट में पैसा लगा इतना किया. मैंने सेड कि अभी मेरा मात्य कारक है मरकरी, मरकरी छोटा बच्चा है. मैं बोला अगर मरकरी बोल रहा है, साफ खुद बोल रहा है कि मैं पैसा यहीं पे बैठ के दूंगा, देन लेट अस गो विद द टेक द लीप ऑफ द फेथ, चलो इस पे विश्वास करके देखते हैं. आई केम बैक होम एंड आई सेड कि वो वाला करियर अभी खत्म, बच्चे ने बोला नहीं जाना है, आई विल नॉट गो. From there on, it stopped, and you know, I decided I will go sit in the and do the Jyotish. That's how it all started. That one day when your daughter said, it changed everything. Exactly. Yes. How beautiful! You know, Dipanjali, I want to tell you something. There was a reason why I'm doing this live interview with you. I'm not an astrology student. मुझे interest बहुत है, तो मैंने आपके videos काफी देखे हैं. But मेरा मकसद इस live का ये है कि I want to show the world, the audience, whoever is watching, who Dipanshu ji is. And I think in these, 8 minutes, I've already achieved that. Because mujhe nahi pata tha, aapme ek competitive streak hai. Wo dikhta nahi hai, aapke videos mein bilkul nahi nazar aata. But it's so refreshing to see your personality come through, you know, and I'm so glad ki I reached out to you and said, Dipanshu ji, ek live karte hai. And you so graciously agreed. So that's wonderful. I'm really, really enjoying having this interview with you. My next question to you is कि मैंने आपका एक वीडियो देखा था जहां पर आप बता रहे थे when you were a little child, और जो इंसिडेंट थी where एक भृगु समिता के एस्ट्रोलॉजर थे, yes. जो I think he sat outside your father's shop and then he spent yes. time with you at home as well, and उनके predictions कितने accurate थे, तो कहीं ना कहीं वो एस्ट्रोलॉजी में faith और cement हुआ इस incident से. उससे भी हुआ, प्लस फादर ऑलरेडी फार्मेसी जानते थे जी. तो हमारे घर पे ना संडे को लाइन लगता था. अच्छा. तो माय जॉब वाज टू गिव देम वाटर, फादर का लेंस ऐसे पकड़ के बैठना, एंड आई यूज्ड टू एंजॉय इट. प्लस देयर वाज फैमिली एस्ट्रोलॉजर जिनका प्रेडिक्शन रेगुलरली मैं लेने के लिए जाता था, बिकॉज पूरा फैमिली जाता था जी. एंड ही वाज अ वन लाइन एस्ट्रोलॉजर, आई कॉल हिम द वन लाइन बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बिकॉज आप जाओ चार्ट देखते थे and he will tell you one prediction for next 2-3-4 months, whatever he can see, and then he will put your chart back. मैंने देखा उनको कि कई लोग उनको ये बोलते थे कि पंडित जी ये पत्री मिला तो देखते थे, बोलते थे इसकी शादी हो चुकी है, जैसी नाटक मत किया करो मेरे साथ. अच्छा. तो बोलते थे अरे नहीं शादी मिलवाने आए, बोलते नहीं नहीं लड़की की शादी हो चुकी है, झूठ बोल रही है, गलत कह दे. So that kind of a person I've seen. So his name was Bansal ji, I've mentioned him several times. When he died, I searched for my family, for the astrologer, for several of them. I mean, I visited n number of astrologers, but I couldn't find one person who is as accurate as him. Who is like one, like I went for the marriage muhurta from a marriage muhurta. I said, pick up the one date for the marriage, and he said, you're going to leave the job, come back to India.
आई वॉज लिविंग इन सिंगापुर एट दैट मोमेंट. तो मैंने बोला मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा, मैं तो अच्छा खासा चल. मैं ऑफिस वापस गया, माय बॉस वाज अ एक्स नेवी एक्स मरीन एक्स यूएस नेवी मरीन गाय. वो मेरे ऑफिस में आए, उन्होंने बोला कि यू आर द बॉस, हैंडल द ऑफिस. एंड आई सेड कि मैं ऑफिस रेडी करने के लिए, हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, बिकॉज मैं बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ, मैं सामने नहीं आना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू डील विद पीपल. मेरे को आई हैव अ सीवियर एंजाइटी इश्यूज, दैट्स व्हाई आई नेवर हैव ऑफिस. मैं अभी भी ज्योतिष के उसमें भी आई नेवर मीट एनीवन, none of the students, none of the consultations. Okay. So my boss said ki nahi abhi to na dekh, and he gave me the plan because he was a very wonderful person. He said abhi mat chhod yaar, at least na mere lage 6 mahine ruk ja, 6 mahine kar aur uske baad chhod dena, at least na management mere ko gaali nahi dega ki tere jaate hi ho jata hai. To wo main 6 mahine kisi tarike se na I managed to become the manager, and 6 mahine baad maine kaha theek hai, this is your office, you find someone else, I have to go. तो वो predictions थे ना, वो predictions नहीं मिलते थे. In the search of that one astrologer, I have to become the one. मुझे वही astrologer बनना था. वो मेरे खुद का chart देख के, खुद का chart देख के शायद prediction नहीं भी. दीपांशी ये किसकी 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 quality होती है कि जो मुझे नहीं मिल रहा है, forget it, I will make it, I will do it. मैं जैसे रास्ता बनाऊंगा. अच्छा केंद्रम युग, केंद्रम युग बोला गया कि दर दर भटकेगा, किसी का काम नहीं आएगा, इसके पास खाने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़े नहीं होगी. शास्त्र इसी तरीके से बोलता है, वो बिल्कुल हाइट पे ले जाता है. इंसान नॉर्मली पढ़ ले तो शायद रात को सोई नहीं कि मेरा तो सारा केंद्रम युग बना हुआ. बट इवेंचुअली व्हाट दैट शास्त्र मीन इज कि आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, आप किसी से उम्मीद मत रखिए. लाइक लॉर्ड ओशो रजनीश जुपिटर केंद्रम युग में है. He became the greatest guru of all because he couldn't find one person जो उनका answers logically दे सके. तो उन्होंने तुमसे नहीं होता ना, मैं करके दिखा रहा हूँ. मून केंद्रम योग में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को, उस बंदे को खुद को ना कोई empathy नहीं करता उस बंदे. अच्छा. और वो दूसरों के लिए ना ऐसा system create करता है कि दुनिया देखती है कि what a person is. तो जो भी planet जिसके second और twelfth में कोई planet नहीं है, उसको केंद्रम योग बोलो गया, उसको support नहीं मिलता, तो वो आपको खुद करना पड़ेगा. यू हैव टू बिकम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू बिकम वन. इंटरेस्टिंग. मेरे को सबसे ज्यादा जो जो फैसिनेटिंग लगता है आपके बारे में दीपांजी जी, आर टू एस्पेक्ट्स, योर व्यू पॉइंट, बट देव गॉट टू एस्पेक्ट्स. सो आई स्टार्ट विद फर्स्ट एंड कम टू द सेकंड लेटर. पहला ये है कि मैं काफी एस्ट्रोलॉजर से मिल चुकी हूँ थ्रू माई वर्क एंड ऑल्सो पर्सनली, बट ज्यादातर most of them, I would say at least 95% if not more, are very content with doing paid consultations. Bas matlab isme jo humne seekha, jo hamari research hai, jo humne kaam mehnat ki hai, ab now we earn, so it's a profession. Baat wahan jaakar ruk jati hai, and there's nothing wrong with it, it's absolutely fine. Then there is someone like you jo kehte hai, bhai maine padha hai, research ki hai, sab kuch kiya hai, got a lot of knowledge, but what I will do is main ye share karunga, I want to share it with people, there are lots of people who want to know. So main ek to share karunga aur wahan baat nahi rukti. You are also doing free consultations from what I heard. Maybe aapse briefly baat bhi hui thi. You're doing free consultations for kids and also for, you know, you've got your windows open for different relationships and for jobs and career and all that. But how beautiful is this ki aap jo apni knowledge hai wo usko baant rahe hain. Gyan dene se badhta hai kehte hain, right? Ye Rohini ka principle hai, Rohini nakshatra ka. रोहिणी में ब्रह्मा ने जब सब कुछ बना दिया ना, बिकॉज ब्रह्मा इज अ क्रिएटर, तो उनको लगा मैं जब नहीं बनाऊंगा ना, मैं सो जाता हूँ, और जब तक मैं नहीं उठूंगा तब तक कुछ नहीं होगा. नेचर फाइंड समवन एल्स, और 10 ब्रह्मा बना, उन्होंने 10 और ऐसे ब्रह्मांड बनाए. तो अगर आपको ये लगता हो ना कि मेरे देने से नहीं आएगा, बिकॉज आई टेल यू समथिंग एल्स, कि मैं एक टेक्निक अपने एक फ्रेंड को बता दू, वो भी एस्ट्रोलॉजर है, उनका भी अच्छा यूट्यूब चैनल. उन्होंने मेरे को ना अपना कॉपी दिखाया आज से 5 साल पहले का, उन्होंने मेरे 5 साल पहले मैंने ये सोचा, पर मैंने किसी को दिया नहीं, पर ये टेक्निक ना आधा ही था मेरे पास आज तक, आपने आज पूरा कर दिया. रीजन बीइंग, नेचर ना आपको सिग्नल्स देता है, अलग अलग लोगों को देता है, आप नहीं दोगे ना आगे, नेचर आप जैसे 10 सेकंड में बना देगा, बिकॉज वी आर वेरी स्मॉल ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग कुछ भी नहीं है ना, नेचर हम जैसे 1000 1 सेकंड में क्रिएट कर देगा,
और मुझसे अच्छा एस्ट्रोलॉजर लेके आएगा, क्योंकि उसका इंटेंशन होगा देने का। द मोमेंट मैं ये सोच लूंगा मैं जेमिनी सूत्रम नहीं दूंगा या लाल किताब में 11 प्रिंसिपल नहीं दूंगा, जैसे कि एक टेक्निक है वो लाल किताब ने शेयर किया यूट्यूब पे कि कैसे ये देखते हैं कि बर्थ के 3 दिन बाद क्या होगा, या आपके घर में आज से 60 साल पहले क्या होगा। वो बाबा जी वाला टेक्निक्स बोलता हूँ मैं, वो लाल चोगा पहन के बाबा जी था ना कि ऐसा हुआ होगा कर लो, और वो टेक्निक्स ना नेचर के थ्रू है, वो कहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, पर वहाँ वो ईश्वर देता है, वो नेचर आपको देता है, और वो आपको और देता है जब आप शेयर कर देते हो ना किसी के साथ। सेकेंड पार्ट है कंसल्टेशंस की। कंसल्टेशंस मेरे को ऑनलाइन इसलिए बंद करने पड़ते हैं बिकॉज जो राइज है क्लाइंट्स का वो एक्सपोनेंशियली, और ऑनेस्टली आपको पता है कि आप एक चार्ट से ज्यादा दिन में नहीं देख पाओगे, बिकॉज एक चार्ट को देखने में बहुत अच्छा टाइम जाता है। तो या तो आप बेईमान बन जाओ, बहुत सिंपल सी चीज, या तो बेईमान बन जाओ, बोल दो कि पैसा कमाना गोल पैसा कमाना कर लीजिए, आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, बिकॉज किसी ने बोला कि सर ये ना ज्वाला एस्ट्रोलॉजर दिन में 10 कंसल्टेशंस करते हैं, मैंने बोला उसकी जिंदगी बहुत सुखी है बिकॉज उसका गोल क्लियर है, उसका गोल पैसा बनाना है, लेट हिम डू इट। अगर आपका गोल पैसा बनाना है तो आप किसी के बारे में बिच मत करिए, आप यही करिए और बना लीजिए पैसा, आपको किसी ने नहीं रोका, नोबडी हैज स्टॉप्ड यू। लेकिन अगर आपका गोल नॉलेज है, अगर आप क्यों ज्योतिष में आए थे, पैसा तो आपको वहां पे भी मिलता था, शिपिंग में इससे ज्यादा मिलता था बल्कि, तो व्हाट वाज दैट वन रीजन, सुकून के लिए आए थे ना, बिकॉज इट सैटिस्फाई योर सोल। तो एक चीज जो आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी हो, वो एक स्टोरी है, इफ यू हैव द टाइम आई विल शेयर इट बहुत क्विकली। इस स्टोरी में सबके लिए कुछ ना कुछ मिलेगा, जितने भी लोग हैं, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द लाइफ दे आर। राजा भरत हरि ने जब संन्यास लिया ईश्वर को पाने के लिए, उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाना है तो चलो सब कुछ छोड़ दे, सारा राज्य वाज्य सब दे दिए और संन्यास लिया। 15 साल तक ईश्वर की खोज करी, मिले नहीं, वापिस ना घूम फिर के उसी नगर में साधु के वेश में आए, अभी कोई पहचानता नहीं था, तो हलवाई की दुकान पे गए, बहुत अच्छी मिठाई बन रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरे को ये मिठाई खिलाओ। हलवाई ने कहा कि अरे तुम तो साधु आदमी, साधु का मिठाई से कोई काम नहीं होता, आप एक काम करो वहां पे ना नहर खुद रही है, जाके नहर खुदवाओ, शाम को पैसा मिलेगा, आके मिठाई खरीदो। साधु की समझ में स्कीम आई, साधु साहब गए, राजा भरत हरि गए, पूरे दिन काम किया, शाम को पैसा मिला, मिठाई खाने के लिए आए। जब वो मिठाई उनके हाथ में आई ना, तो उनकी समझ में एक बात आई, उन्होंने कहा कि यही मिठाई ना मैं चाहता था तो पूरा राज्य खाता था मेरे जन्मदिन पे, यही सेम मिठाई एज ए राजा जब मैं बनवाता था फ्री में बटती थी, और मेरे लिए तो ये कुछ मायने नहीं रखती, पर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया था इस चीज के लिए। गोल क्या था? गोल था ईश्वर को पा लेना, बहुत बड़ा गोल था एक, लेकिन मेरी आज एक छोटी सी डिजायर ने मेरे को नीचे गिरा दिया है। तो जब आप किसी बड़े काम के लिए चलते हैं ना, तो रास्ते में आपको डिजायर आते हैं, वो हलवे के उसमें रंग में आए, वो किसी और फॉर्म में आए, पर एक बड़े काम के लिए आप चलते हैं और छोटा से छोटा डिजायर आपको नीचे गिराता है। वो हलवा उन्होंने खाया नहीं, उन्होंने फेंक दिया, और उसके बाद उन्होंने वैराग्य शतम लिखा कि किस तरीके से वैराग्य पाया जाता है। बहुत रोहित हुए कि मैंने इतना बड़ा 12 साल वेस्ट कर दिए इधर उधर घूम के। तो गोल जो है ना लाइफ का, वो बहुत क्लियर होना चाहिए। मैं आपको ज्योतिष में क्या गोल है, आपको गोल पैसा कमाना है, नॉलेज देना है, बच्चों का हेल्प करना है, दुनिया का हेल्प करना है। बच्चों का हेल्प करने से क्या होता है कि बच्चे ना अपना प्रॉब्लम बता नहीं पाते। मतलब इफ आई टेल यू निकिता जी ना, आउट ऑफ 3000 ईमेल्स व्हिच इज इन वेटिंग लिस्ट राइट नाउ, एटलीस्ट 1800 to 2000 विल बी ऑटिज्म किड्स, उससे ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होगा। ऑटिज्म इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरे को पहली बार जिंदगी में समझ में आया। तो अगर मेरे किसी रिसर्च से 2000 बच्चे ठीक होते हैं, 2000 से 1000 भी ठीक होंगे जी। वो फूड डाइट फॉलो करके या वो रेमेडी करके, वो बच्चे ठीक नहीं होंगे, उनका फैमिली ठीक होगा, क्योंकि आगे तक के लिए ना वो फैमिली मेरे को बोलेगा, चाहे कितनी गालियां देंगे, पर फिर भी 2000 लोग होंगे ना, वो बोलेंगे कि चलो यार किसी ने तो अच्छा काम करा था। सो दैट्स व्हाई दीस कंसल्टेशंस आर नेसेसरी। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही दीपांश जी। If you don't know your goal, it's very easy to lose focus. लेकिन अगर आप जानते हैं आपका destination कहाँ है और आपने जाना कहाँ है, then no one can stop you. बात आपकी बिल्कुल wonderful है, it's beautiful. मैं आपके viewpoint के बारे में,
मैं आपके व्यू पॉइंट के बारे में बात कर रही थी, और जो सेकंड एस्पेक्ट है आई थिंक वी प्रॉब्ली हैव अ स्लाइट वीडियो इश्यू. हाँ जी, सॉरी आई गॉट. नो 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 प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. तो मैं कह रही थी कि आपका जो व्यू पॉइंट है उसका एक सेकंड एस्पेक्ट है, having a slight network issue. Is it working now? Hanji, this is fine. Okay. So I was saying another aspect of your perspective, your viewpoint. You know, that I personally find very fascinating is ki how you assimilate all your knowledge, you apply it, and then you demonstrate it and teach it as various different predictive techniques. Yeah. Now, like I said earlier, I'm not an astrology student. Like, maine aapke sare videos dekhe, because I mean, ek dekh liya, to it, you know, it's so attractive just because of the way you simplify it in such a manner. You make it so relatable, you know, ki chahe kisi ko astrology aaye na aaye, wo ek baar dekh liya to wo yaad rahega. Just because of the beautiful, you know, there's a way you translate it. So I was seeing a lot of your videos, and you know, jaise aapne kaafi kiye hain ki nakshatra aur FB photos hain, ketu and patterns, bath soaps, bath mats with regard to rahu ketu 6 and 12,000, itne sare hain. So I just wanted you to elaborate a little bit more, and can you give us one or two more examples jo aapne ab tak share nahi kiye hain? Yes, definitely. I will share some more. I think the first thing is isolation. I always tell every one of my students to not use phones much. Go in the isolation, because when your brain is in silent zone, the nature will give you clues. You can hear someone, you can hear what is happening. I give you an example, Magha Nakshatra. When I was reading about, when I was making notes about it, my kids started watching Lion King for the first time. And during the Lion King, I realized one thing, that true king is the one who actually thinks what I can give back to the society. A king is not the king. Ek raja na, jungle ka raja isliye nahi banta kyunki gidon ne salah kari hai ki woh jungle ka raja banega. Woh jungle ka raja isliye kyunki uski taakat hai jungle ke raja banne ki. To aap un dekhna ki bahut sare log na, बहुत सारे फिल्म स्टार्स के बारे में या जो भी लोग टॉप पे होते हैं, आई हैव सीन दिस, एक नेगेटिव कमेंट करने का हैबिट है लोगों को. जो भी लोग टॉप पे चले जाते हैं जी, दे उनको एक चीज रियलाइज करनी चाहिए कि अगर वो नंबर वन है ना, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो नंबर वन है. सचिन तेंदुलकर किसी के मेहरबानी से नहीं बना. विराट कोहली नंबर वन किसी की मेहरबानी से नहीं बना. वो नंबर वन बना क्योंकि उसने ताकत है, उसने उतना मेहनत कर ली है. ये मघा नक्षत्र है, तो आपका प्लान मघा नक्षत्र में हो या नहीं हो, पर एटलीस्ट आप उसको ठीक करना चाहते हो. तो एक प्रोमिनेंट क्वालिटी देखिएगा कि जो लोग कभी राजा नहीं बनेंगे वो कौन होंगे, जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, जो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, वो कभी जिंदगी में राजा नहीं बने क्योंकि वो उस लायक नहीं है. जो राजा बनना होगा ना, वो सीना तानेगा, उसको लोग गालियां देंगे. अच्छा, लाइक आवर पीएम मोदी, कुछ लोग गालियां देंगे, कुछ लोग अच्छा कहेंगे. But does he care about your opinion? No, because he has to run the country of 130 million people. उसको देश चलाना है. तुमको अगर वॉर अच्छा नहीं लग रहा, वो तुम्हारी गलती है. तुमको अगर विराट कोहली एज ए कैप्टन अच्छा नहीं लग रहा, वो तुम्हारी गलती है. तुम कभी भी विराट कोहली नहीं बन सकते, तुम उसका 1% भी नहीं बनोगे. तो मघा नक्षत्र बनने के लिए ना, एज अ राजा बनने के लिए, राजा जैसा बिहेव करना होता है. वो एटीट्यूड अपने आप ही आता है. सन जो है ना, एज अ किंग ऑफ प्लांट, इसलिए नहीं है क्योंकि मर्करी एंड वीनस ने डिसाइड किया कि चलो सन को बीच में डाल देते हैं कुछ दिन और एक संवत्सर इनको राजा रखें. ऐसा नहीं हो सकता. सन राजा इसलिए क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत है कि ग्रेविटेशन पुल से पुल एंड पुश करता है दूसरे प्लांट. सो वेन यू गो इन दैट, लेट मी कम टू बैक टू योर क्वेश्चन, की वो जो नेचर किस तरीके से हेल्प करता है. लाल किताब का एक रेमेडी है, वो ये पहली बार मैं दे रहा हूँ ऑनलाइन. सैटर्न 7th हाउस में हो तो लाल किताब कहते हैं कि सुबह सुबह एक दीवार बनाइए 40 सीटों से लेकर और शाम को आके तोड़ दीजिए.
लाल किताब क्यों बोलेगी, मतलब एक इतनी डीप किताब जो बोला जाता है कि रूहों ने लिखी है, किस्मत की किताब, इतनी डीप किताब अगर किसी ने लिखी है तो क्यों आपको ईटा बनवाना चाहती है सुबह लेकर और शाम को बोलती है आपको तोड़ दो, और आज के फ्लैट के अंदर आप करोगे तो एटलीस्ट नेबर्स देखेंगे क्या पागल वाली हरकत है ये। सिर्फ सैटर्न ना बाउंडेशन देता है, सैटर्न आउटर बाउंड्री है, सैटर्न जहां पर भी बैठता है वहां पे आपको ना मेंटली पकड़ लेता है, बिकॉज नोबडी कैन स्टॉप यू बीइंग ग्रेट एक्सेप्ट यू। तो जो ब्रेकिंग ऑफ द वॉल है आप देख रहे सैटर्न सेवंथ हाउस में, तो वो इंसान ना बिना क्या बोलते हैं कॉम करे ढंग से बिल्कुल हेयर जेल लगा के कंप्लीटली शर्ट्स पहन के तब जाके बाहर घर से निकलता है बिल्कुल फुल सर्कल में रानी राजा रानी की तरह ना, वो मेरी तरह नहीं कर सकता कि स्लीपर्स पहनकर गाड़ी में बैठे निकल गए, उसको कंप्लीटली तैयार होना क्योंकि उसको एक सोसाइटी का सेवंथ हाउस ऑफ सोसाइटी, उसको सोसाइटी का डर है कि किस तरीके से मेरे को दुनिया देखेगी। तो वो दुनिया के देखने के चक्कर में ना उसका जो मेंटल कैपेबिलिटी है अपना पूरा यूज नहीं कर पा, वो दब के बैठा है। लाल किताब कहती है वो बाउंडेशन तोड़ना है, तो इसलिए उससे वो दीवार गिरवाती है ताकि पूरी दुनिया के सामने दीवार, पहले के जमाने में कच्चे घर थे, खुला खुला आंगन था, उस हिसाब से ठीक था कि पूरी दुनिया देखेगी तो इसका भय खुलेगा, दुनिया के सामने जाएगा। सैटर्न ईटर रिप्रेजेंट करता है, वहां पे लात मारेगा तो ये हटाएगा, बाउंडेशन हटाएगा। बट जब भी सेवेंथ हाउस सैटर्न आप देखिए तो बोलिए कि तैयार होके घर से बाहर निकलना बंद कर दो, आपको कोई नोबडी केयर्स अबाउट यू, नोबडी नोबडी केयर्स कि आपके बैरों में कितना हेयर जेल है, आपके शर्ट कैसी लग रही है, क्योंकि जब तक आपके अंदर ये इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है आप अपनी जिंदगी नहीं जी सकते, आप दूसरों की जिंदगी जी रहे हो तो दूसरों के जीने से, तो सैटर्न का ये बहुत प्रोमिनेंट इफेक्ट है। एक और रेमेडी सन बोलता है, सूर्य दसवें घर में हो तो टोपी पहननी चाहिए। अब कैप पहनना एक तरीके का फाउंडेशन है, और स्पेशली इन द हॉट इस क्लाइमेट के अंदर तो कैप पहनना बहुत अजीब सा काम, अगर आप सिख है तो अलग बात है, पर ये 10th हाउस के अंदर अगर कैप क्यों पहनाएगा इतना बड़ा, क्योंकि ना 10th हाउस के अंदर अगर सन हो जाए तो ईगो रहता है, बहुत ईगो का इशू है, और उसको ना वो हमेशा ही बोलते हैं था उसका सन होता है ना, हमेशा बोलता है तू जानता नहीं मैं कौन, तेरे को ना मेरी ताकत नहीं पता है, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा 10th हाउस सन, 10th हाउस के अंदर मून रहता है ना तो वो तो ये इतने सारे जो प्रॉब्लम्स हैं 10th हाउस सन के, वो बोलते हैं आप पगड़ी पहनिए, अब कैप तो नहीं पहन सकते तो आपको क्या करना है, जब कैप ना आपका स्टेटस रिप्रेजेंट करता है, जिस तरीके की कोई तुरले वाली आती थी पहले, और जिस तरीके की आप कैप पहनते तो उस तरीके का आपका स्टेटस होता था, तो जो कोई भी देखेगा वो दूर से पहचान जाएगा ये साहब का औकात इतना है, तो इनको बोलना नहीं पड़ेगा कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ, आपका काम हो जाएगा। तो अगर 10th हाउस का सन रहता है तो मैं बोलता हूँ देखो, एक तो ना बीवी के सामने ज्यादा करके मत रहा करो, नहीं तो ना डिवोर्स का चांस रहता है, दूसरा जहां पर भी जाओ ना ढंग से कपड़े पहन के जाना, और एटलीस्ट ना जिस लेवल से जा रहे हो उस लेवल का शो ऑफ करना, घर हाथ में घड़ी अच्छी पहनना, बिकॉज सन कंट्रोल्स योर टाइम, हाथ में घड़ी अच्छी पहनना और अपने स्टेटस मुताबिक वहां पे जाना, ऐसा नहीं कि तुम ऐसे उठे और चल पड़े, वो 10th हाउस के सन को ये बोलते हैं कि आप ढंग से कपड़े पहन के जाइए, क्योंकि जब 10th हाउस में सन होता है इंसान कपड़े पहनने की ना ढंग से कपड़े पहन के कहीं भी शो ऑफ नहीं, इवन ऑफिस में शॉर्ट्स में चला जाता है, ये उसका क्वालिटी है। तो कैप आप पहनाइए मत पहनाइए डजंट मैटर, उसको बोले ढंग से तैयार होके ना, अगर आप इफ यू आर ए मैनेजर गो एज अ मैनेजर, एक्चुअली बिहेव लाइक वन, ये करना है जी। सो ये नेचर से आपको डिकोड करवाना पड़ता है, आपको नेचर क्लूज देती है और बोलती है कि आगे दे दो मैं और दे दूंगा। कैसे कर लेते हैं आप ये, मैं वही सोच रही हूँ। और पता है आप ये जब बनाए पुट अप दिस पोस्टर, आई गॉट अ फ्लरी ऑफ टेक्स्ट, एंड यू नो मैं यूजुअली क्वेश्चन स्टिकर डालती हूँ, एंड कि कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो, मतलब धड़ाधड़ एक के बाद 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 आए जा रहे हैं, अभी भी आए जा रहे हैं, एंड उसका कारण एक सिर्फ यही है कि आपका यू नो हाउ यू असिमिलेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन, obviously aap nature ki taraf to dekhte hi dekhte hain, but how you assimilate it and then how you decode it, assimilate it and then just give it,
It's beautiful, Dipanshuji. Really, I might sound repetitive, but I think I'm speaking on behalf of everyone who's watching this. It's truly wonderful. I think wo jo clear thought process hai na, a very big chunk of it has gone by working with the ex-army and the ex-navy and the ex-NATO guys. That training of 8 to 10 years when I worked with these people, and all my bosses, I was experiment kid. They always call me the experiment kid because मुझसे पहले ना उस company के अंदर एक एक unsaid rule था कि अगर 3 गोली नहीं खाई है ना तो इस department में नहीं आऊँगी. So my boss was a bomb disposal squad leader in Iraq at the time of Saddam Hussein. His boss was a NATO supervisor. He has been shot 7 times. He was a VP for the Asia. I was the atomic research center. I was a junior nuclear scientist in the atomic research center. So my pehli baar jab research interview ki, it was in the beer bar. Achha. A very different interview. So my mere boss ne mereko bola ki, apne, if you want to drink beer, you want to drink anything. But this is the way we conduct interview. It was the, all the ex-army guys. And they said, देखो हमने कभी भी ना कोई भी बिना एक्स आर्मी नहीं लिया है. फर्स्ट टाइम ले रहे. क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वो आर्मी के साथ आते हैं, उनके अंदर सारी बुरी हैबिट्स पहले से होती हैं. सो वी वांट टू एक्सपेरिमेंट कि एक नया लड़का लाके देखते हैं जो फ्रेश हो, आउट ऑफ द स्कूल हो, ब्रिलियंट हो, टेक्निकली ठीक ठाक हो, तो देखते हैं ये कैसे कैसे परफॉर्म करेगा. सो फर्स्ट थिंग मैं जब मैं ऑफिस गया तो आई वॉज वेरी 21-22 ईयर्स ओल्ड बॉय. मैं बहुत सिंपल तरीके से ड्रेसअप था, शूज पहने थे. तो मेरे बॉस ने मेरे को बोला कि आपने शूज पॉलिश नहीं करे. मैंने बोला कि शूज पॉलिश. And he said कि whichever part of the shoes is not touching the ground has to be polished. And he was the Royal Special Forces guy, the trainer for Royal Special Forces, 22 years, 21 days, this guy. And from there it started training कि आप sort out करते हुए चलिए. What is your goal? What is the ultimate goal when you're standing as a supervisor? You have to protect everyone's life. That's my priority. Then comes everything else. So when you're so focused on the job and the same focus pattern has shifted, उसने अपने उसके अपने positive effects भी रहे, negative effects भी रहे. Negative ये रहे कि उन 12 साल में रेल से walkie talkie पे yes no और दो रहेंगे command बोलने का habit. जब मैं इस life में आया तो मेरे को जब मेरे से लोग आर्ग्यूमेंट्स करते थे या काउंटर क्वेश्चंस करते थे तो था ये व्हाई नॉट ट्रस्टिंग मी. मतलब एक बार बोल दिया तो समझ लो ना बाकी आगे देख लो क्या होगा. तो धीरे धीरे टाइम लगा कि हाँ ये लोग इस तरीके से नहीं समझेंगे. मेरे को गुस्सा नहीं करना है, मेरे को चिल्लाना नहीं है वापस. तो अभी भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि गुस्सा है, आप डांटते हो, बट दैट्स हाउ आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर. इवन बोला है समझ जाओगे या कर लो, यू गो फिगर इट आउट. It's usually yes or no, and this is the way or this is not the way. It's very clear. I completely understand. Yes. I mean, my father is from the army, so I understand you. What you're saying, I completely get it. Dipanshuji, can you tell us what has happened in 2020? But I mean, 8 months. Okay. Astrologically, what happened, and what can we expect in the next 4 months? Last 8 months. Ji. What has happened? The Uranus has gained the power. यूरेनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आउटर है, जिसका 7 ईयर्स का साइकिल है. 7 ईयर्स वो एक राशि में रहता है. वो फोकस दिखा, व्हाट इज द फोकस ऑफ योर लाइफ. वो जहां पर भी है वो आपको उसमें यूनिक बना देगा. वो एरीज में जैसे ही ट्रांजिट हुआ, एरीज इज द राशि ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वहां से दुनिया चालू हो रही है ना, वो वहां से सब कुछ जीरो से स्टार्ट हो रहा है. पर एरीज ना बहुत गरीब राशि है. अच्छा. मतलब एरीज मेरा कोई पैसा नहीं. इफ यू रीड द क्लासिकल टेक्स्ट एज़ वेल, यू विल सी कि यू विल रियलाइज कि एरीज बहुत गरीब राशि है. एरीज का पैसा वैसा नहीं, वो गरीब बनाने के लिए आती है. अगर आप पर एरीज का एक बहुत स्पेशल क्वालिटी है कि एरीज ना आपको हेल्थ बहुत अच्छा देती है, क्योंकि आर्मी कमांडर की राशि है. वो सब कुछ देगी, लीडरशिप देगी, वो दूसरों को पहले, दूसरों का हेल्प पहले करेगा, बाद में खुद लेगा. वो हमेशा ना दूसरों को पुट फॉरवर्ड करती है. वो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान दिलवाते हैं. तभी अगर शुक्र वीनस अगर एरीज में चला जाए तो मैं बोलता हूँ कि गर्लफ्रेंड ऐसी मिलती है. लोग बोलते हैं कि कहानी गर्लफ्रेंड मिलेगी. प्रकाश का टेक्स्ट बोलता है कि अंग भंग होगा गर्लफ्रेंड का, पर ऐसा नहीं है. वीनस अगर एरीज में हो तो उसको बोलता है कि लड़की होनी चाहिए, दैट्स इट, दैट्स द ओनली रिक्वायरमेंट आई हैव. और अगर लड़की होगी तो बोलेगा सिर्फ लड़का चाहिए, एज लॉन्ग एज इट इज बॉय, मेरे को कुछ और नहीं चाहिए, ना कास्ट, ना क्रीड, ना रिलीजन, क्योंकि आर्मी कमांडर का कोई धर्म नहीं.
वो जब एरीज से पास होके टॉरस में जाता है ना, तब जाके वो कहता है कि हाँ ठीक है मेरे को आंखें अच्छी चाहिए, मेरे को वेल्थ चाहिए, परिवार होना चाहिए। लिब्रा से अपोजिट साइन है, लिब्रा के अंदर चेकलिस्ट है। अगर किसी को वीनस लिब्रा का है तो वो ये बोलता है, उसके सामने कितनी बड़ी चेकलिस्ट होती है। जब भी वीनस लिब्रा में देखिए तो हमेशा बोलिए कि चेकलिस्ट है ना जितना बड़ा, वो सब खत्म कर दो प्लीज। जैसे सैटर्न अगर लिब्रा में हो तो मैं बोलता हूँ देखो प्रोफेशन के लिए ना, अपने जॉब के लिए, जॉब का चेकलिस्ट है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, बॉस भी अच्छा चाहिए, सैलरी अच्छी चाहिए, वर्क प्लेस भी घर के पास चाहिए, सिटी भी नहीं छोड़ूंगा। नहीं मिलेगा भाई, सब कुछ नहीं मिलेगा लिब्रा में। आप एरीज में जाओ, सैटर्न एरीज में क्या कहता है, जॉब होनी चाहिए बस, अच्छा एज लॉन्ग एज आई गेट द जॉब आई विल गेट इट डन। तो यूरेनस जब एरीज में गया उसने बोला सर्वाइवल है, राइट नाउ वी आर इन सर्वाइवल मोड एंड नेक्स्ट फोर इयर्स आर गोइंग टू बी इन सच डिफरेंट टर्म्स, हैज टू बी सर्वाइवल मोड। ओके, पर अभी गवर्नमेंट क्या करने वाली है, ऑलरेडी कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ने कर दिए, क्योंकि सेकेंड हाउस क्योंकि इंडिया के सेकेंड हाउस के अंदर मार्स पेट है, 12th हाउस के अंदर यूरेनस है। और अगर इंडिया का आज की डेट का चार्ट देखें 15th August 1947 का जी, तो हमें रियलाइज होगा कि इंडियन गवर्नमेंट सारे लॉज ना बदल रही है। मैंने अपने ब्लॉग में भी इसी तरीके से लिखा कि इनकम टैक्स, फैमिली प्लानिंग लॉ अभी आया नहीं है पर आएगा जी, फैमिली प्लानिंग लॉ रिलेटेड टू योर वेल्थ कि आप कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हो कितना नहीं कर सकते हो, शायद सुपर रिच टैक्स, ये सब चीजें आएंगी, लॉज बदले जाएंगे, ये हमें एक्सपेक्ट करके चलना है। अगले कुछ महीने तक वी कैन एक्सपेक्ट, एक तो देयर इज अनदर मेजर ट्रांसिट व्हिच इज हैपनिंग कि राहु इज मूविंग टू टॉरस, सो व्हेनेवर राहु मूव्स टू टॉरस बिहार में दंगे होते। तो अब वी होप कि बिहार ठीक ठाक रहे, बट दैट हैज बीन द पैटर्न। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज अबाउट टू गो इन ट्रबल, दीज आर द थिंग्स वी कैन एक्सपेक्ट इन नेक्स्ट फोर मंथ्स। क्योंकि आपने सेकंड हाउस की बात ऑलरेडी छेड़ दी है, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन जो काफी लोगों ने पूछा है, अब शायद ये इन्होंने ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है या फिर करना चाहते हैं, आई डोंट नो द रीजन, बट काफी लोगों ने पूछा है दैट व्हाट विल बी द स्टॉक मार्केट सिनेरियो इन द नियर फ्यूचर। ओके, रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट टिल दिसंबर देयर इज गोइंग टू बी अ गुड रन, डू नॉट वरी, बिकॉज ऑल्दो व्हाट आई एम सेइंग इज स्टॉक मार्केट का इकोनॉमी से आपके कोई लेना देना है नहीं, बिकॉज व्हेन स्टॉक मार्केट रन्स ऑन इमोशंस, वी ऑल नो अबाउट इट, एज लॉन्ग एज एवरीवन इज फीलिंग गुड इन द स्टॉक्स दे विल कीप पुशिंग अप द मार्केट एटलीस्ट टिल दिसंबर, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। किन लोगों को परेशानी होगा, जो लोग इंट्राडे खेलते हैं क्योंकि बहुत अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है, पर जो लोग ऑलरेडी लॉन्ग टर्म का करके बैठे हैं, 10 साल का इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, 5 साल का अगर म्यूचुअल फंड का इशू है, they have nothing to worry, because tab tak the moment venus uranus moves rahu is already moving to taurus, because rahu jab taurus mein jata hai to bahut zyada boom up karta hai stock market, to abhi to kuch worry karne ka nahi hai, but rules aayenge related to how much you can accumulate. Aapki stock market is a speculation which is for 1000-8000 unearned gains, sometimes you go for the magic run, but us stocks pe afi effect nahi kar raha hai, तो अभी तो स्टॉक्स वालों को चिंता लेने का जरूरत है, उनको जरूरत है जिनका ब्लैक मनी कहीं हुआ है, बेनामी प्रॉपर्टीज हैं, टैक्स चोरी कर रहे हैं, तो उन लोगों को इश्यूज हैं, बाकी किसी को नहीं। ओके, आई वांट टू आस्क यू कि इज एवरी प्रेडिक्शन एंड देयरफॉर द सबसिक्वेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ इट इज इट कार्व्ड इन स्टोन या फिर फ्री विल है? देयर इज ऑलवेज अ फ्री Always. Let me give you an example. This is I call the base correction of the chart. Okay. Every single disease has to originate from stomach. This is what the Ayurveda principle is. जी. अब वही stomach को अगर आप ठीक कर लोगे, stomach उन्होंने सिर्फ stomach नहीं बोला, वो morality actually. Fifth house is everything. तो sun अगर अच्छा होता है. जी. To help your enemies in the bad times, to know what is right, what is wrong. तो इसलिए मैं बोलता हूँ एक जो रेमेडी सबको करना चाहिए, सुबह उठ के एटलीस्ट जो कॉपर वेसल का वाटर है, कॉपर वेसल का जो पानी रखा हुआ है वो पीना चाहिए, उससे आपका सन अच्छा होता है, आपको स्टमक को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं,
तो जब आप अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस करना सीख जाते हो, मोस्टली मैं बोलता हूँ लाइक देयर वाज अ गाय इन जून, उस बंद ही सेंड मी नहीं ली, उन्होंने बोला कि मैं सर 5 साल से दर्द में हूँ, बहुत परेशानी है। तो मैंने उनका एक चार्ट देखा और मैंने उनको एक लाइन के अंदर एक रेमेडी बोला, मैं बोला कि आपको ये रेमेडी करना चाहिए। तो बोला नहीं सर मेरा आप फुल कंसल्टेशन कर दो। मैंने बोला कि मैं इस काम पे लेता, मैं यही पर आपको फ्री में बता दिया इन जून, इन आई थिंक इन फ्यू डेज बैक विद इन ऑगस्ट उनका मैसेज आया कि पंचु मैं ना 1000 mg का पेन किलर खाता था, आई पोस्टेड दैट वन ऑफ दैट फीडबैक ऑन दी सम ऑफ दैट फीडबैक ऑन दी इंस्टाग्राम इटसेल्फ। वो 1000 mg का पेन किलर जो खा रहे थे वो खत्म हो उस एक रेमेडी से। तो रेमेडीज काम करते हैं। वो जो गलतियां बताने का 11,000 रुपए लेना ना, मतलब ड्यूरिंग पेंडिंग करवा रीडिंग में सिर्फ ये बोलता हूँ कि आपने अपनी उनको हिस्सा नहीं दिया था, आपके ग्रैंडफादर ने ये किया था, तो आपके जो किए हुए कर्म है, आपके पूर्वज जो किए हुए कर्म है, आपको पता है कि गलत है। इंटरनली यू ऑल्सो नो लाइक अगर पाइसिस के अंदर राहु हो सेकेंड हाउस में, या पाइसिस के अंदर राहु कहीं पे भी हो, डजंट मैटर, यू यूज हाउस सिग्निफिकेशन। पाइसिस का राहु सेकेंड हाउस का है, फैमिली में बहुत इश्यू था, वो ही वाज अ सीए, बोलते कि मेरा ना घर में शांति नहीं रहती, बहुत दिक्कत है। मैंने उनको बोला कि आप फेक बिल्स बनाते हो, सेकेंड हाउस इज योर मनी, राहु इज अ चीटिंग, पाइसिस योर एक्सपेंसेस, आप फेक बिल्स बनाते हो। बोलते दैट्स माय जॉब। मैं बोला इसकी ऐसे फैमिली के अंदर प्रॉब्लम रहेगा। अभी आपको पता है ना क्या गलत है, क्या ठीक, क्या सही नहीं है। आपको इसी काम के मेरे को पैसे देने हैं 11,000। तो आपको पैसा देने का मेरे को जरूरत नहीं है, आपको खुद को पता है। इफ यू सेट डाउन एंड एनालाइज ना कि यार मैं कौन सा ऐसा चीज है जो मैं गलत करता हूँ, मैं कौन सी ऐसी चीज है जो मैं जो मेरे को नहीं करनी चाहिए मॉरली, जो मॉरली रॉन्ग है। क्या होता है ह्यूमन नेचर है, वो ना लूपहोल ढूंढ लेता है हर जगह पे। वो बोलता है कि सब करते हैं ऐसा, ये भी करते हैं ऐसा, तो सब वो ना एक लूपहोल ढूंढ लेते हैं। तो जब आप लूपहोल्स नहीं ढूंढते ना और बोलते हैं कि मॉरली रॉन्ग है, सही में मॉरली रॉन्ग है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको पेंडिंग कर्म का रीडिंग का या किसी भी एस्ट्रोलॉजर का जरूरत नहीं पड़ेगा। I think there seems to be a little problem with probably the internet, or I'm not sure, but anyway, it's good. क्योंकि आपने अभी बात की about morals and knowing what is right and what is wrong, and सबको पता होता है. तो I want to ask you about one specific emotion, which is that about fear. What is your perspective on fear? I think when we lose our calm, when there is no Jupiter is a planet which gives you peace, internal peace, and then there's a missing of peace. And how does the Jupiter will get affected? Jupiter is a sign of, is a lord for 9,000, 12,000. Sagittarius and Pisces. Sagi is a sign of principles, long-term goals. सजिटेरियस के अंदर कोई भी प्लैनेट जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करता है, कई जन्मों के लिए, मतलब वो जो गाना है ना कि जन्म जन्म का साथ है, वो वीनस सजिटेरियस में रहेगा क्योंकि उसने जन्म जन्म का साथ ढूंढ लिए। तो जब हमारे मॉरल रॉन्ग हो जाते हैं, जब हम मॉरली खराब होने लग जाते हैं, एक प्लैनेट जो दूसरा प्लैनेट जो डर लगातार देता है, जहां पर भी केतु है वहां पर डर रहता है। जैसे केतु अगर फिफ्थ हाउस में हो, केतु यहाँ पर भी रहता है, वहां पे डर रहता है। जैसे कि अगर केतु अगर फिफ्थ हाउस में आ जाए तो उस इंसान को ना प्रेगनेंटिटीज को देख के बहुत डर लगता है, दिस इज जस्ट फ्रीक आउट चिल्ड्रन, अच्छा, बिकॉज ऑफ द केतु। जी, ओके। केतु क्या बोलता है? केतु बोलता है कि यू आर, केतु इज अ सोल फूड, आपको अपने सोल के लिए काम करना चाहिए, उसका हेड तो है नहीं, वो खाना नहीं खा सकता, तो केतु को आप कैसे सेटिस्फाई करोगे? आपको उन लोगों को मदद करना चाहिए जो अपनी मदद नहीं कर पाते। जैसे कि अगर केतु फिफ्था हो, बच्चों का मदद करो, आपके अंदर का फियर, पेरेंट मूवमेंट का मदद करो, आपका फियर खत्म होता है। अगर केतु 12th हाउस में है तो जो लोग ढंग से एक्सपेंसेस नहीं कर पा रहे, उसको इंसान को रखता है कि मेरे से ना कहीं चीटिंग ना हो जाए एक्सपेंसेस में, उससे कहीं गलत खर्चा ना हो जाए। तो केतु अगर 12th हाउस में ना, इस बैंक में मत लेके जाओ क्योंकि वो आपको शॉपिंग नहीं करने देगा, वो हमेशा कहेगा इससे मत खरीदो, डरपोक आदमी है।
तो डर को खत्म करने के लिए ना व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सर्व अदर्स. जब आप दूसरों की मदद करते हो ना, नेचर आपको हेल्प करता है. जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके आई हैव एक्चुअली नॉट हर्ड दिस. मैं काफी काफी लोगों से पूछना चाह रही थी दीपांज जी कि हाउ डू एक्सप्लेन फियर एस्ट्रोलॉजिकली, हाउ डू यू एक्सप्लेन फियर, बट मुझे मौका नहीं मिला था, लेकिन आपने ये क्वेश्चन आंसर कर दिया है. आई वांट टू आस्क यू नेक्स्ट कि एक एक रेमेडी तो आपने दे ही दी विच जनरली एनी वन एंड एवरी वन कैन डू, विच इज कि आप कॉपर के वेसल में सुबह उठकर पानी पीजिए, दैट इम्प्रूव्स योर सन. इज देयर एनी अदर रेमेडी टेक्निक इनसाइट विच जनरली एनी वन कैन डू, चाहे वो मतलब उनको एस्ट्रोलॉजी का कुछ पता हो या ना हो, बेसिक्स भी पता हो या ना हो, एनी अदर रेमेडी दैट कैन अप्लाई टू एनी वन और करना चाहिए? यस, और ये एक रेमेडी है, मैं सबको बोलता हूँ करा करो. स्पेसिफिकली कोई रेमेडी अपने हेल्थ के लिए करना है. प्लांट ट्रीज रिलेटेड टू मार्स विच इज नीम. अभी जर्मनी में नीम नहीं मिलेगा, यूएस में नीम नहीं मिलेगा, कनाडा में नीम नहीं मिलेगा. वहां पे उस टाइप के ट्रीज होंगे, क्योंकि क्लासिकल टेक्स्ट में क्या हुआ कि तमिल के टेक्स्ट में देखेंगे तो अलग से नक्षत्र के ट्रीज बदल जाते हैं, नॉर्थ इंडिया में नक्षत्र के ट्रीज बदल जाते हैं. क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोकोनट ट्री बनारस में नहीं उगेगा, कोकोनट ट्री के लिए केरल जाना पड़ेगा. तो नेचर ने आप जहां पर रहते हो वहीं पर आपको सब कुछ दिया है. तो अगर आप यूएस रहते हो तो आपको नीम ट्री नहीं लगाना. वहां पे देखिए, वहां पे ऐसा कौन सा ट्री है तो नीम की तरह जो हेल्थ के लिए यूज होता है. तो अगर हेल्थ के लिए कोई इश्यू है, आप नीम का पेड़ लगाइए. निकिता जी, ये जो रेमेडी है ना नीम के ट्री वाला, इसका फीडबैक इतना ज्यादा है कि जो लोग 10-10 साल से स्टमक का इश्यू था, किसी को किसी और चीज का इश्यू था जी, वो ठीक हुआ है नीम का ट्री लगाने के बाद. क्योंकि नीम जो है ना मार्स को पसंद करता है और मार्स आपको हेल्थ देता है. पर हाँ, साथ ही साथ सबने ये फीडबैक भी रिपोर्ट किया कि जिस दिन से पेड़ लगाया मेरा स्टमक प्रॉब्लम ठीक हो गया, स्पाइन इश्यू ठीक हो गया, ये ठीक है, पर मेरे पास पैसा आना बंद हो गया सर. बिकॉज मैंने बोला एरीज गरीब राशि है, वो पैसा नहीं देती. सिमिलरली दैट्स व्हाई से पैसा चाहिए, टॉरस का रेमेडी लगाओ, टॉरस का पेड़ लगाओ. अगर आपको इनिशिएटिव लेने में प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन का इश्यू है, आपको लगता है कि आपके स्ट्राइप्स नहीं है, थर्ड हाउस जेमिनी इज योर स्ट्राइप्स, आपको स्ट्राइप्स नहीं मिलते हैं, आपके अंदर करेज नहीं है, जेमिनी का पेड़ लगाओ. अगर आपको शांति चाहिए, कैंसर का पेड़ लगाओ. फेम चाहिए, लियो का पेड़ लगाइए. लेकिन ये पेड़ जब आप लगाते हैं, व्हाट यू आर पेइंग बैक इज योर पेइंग बैक नेचर. आपके ऊपर कर्जा है ना, कि आप पैदा होते हो, आप पेड़ों से इतना कुछ लेते हो और वापस कर्जा नहीं. तो कर्ज जिसके ऊपर कर्जा बढ़ता जाता है तो वो इंसान झुकता जाता है. दैट्स व्हाई बुढ़ापे में इंसान ऐसा झुक जाता है जी, कर्जा ले लेके. वो जवानी में सीधा सीधा चल के चलता है, तो वो नहीं झुकना पड़े बुढ़ापे में आके. तो पेड़ लगाइए. सेकेंड थिंग इज पानी बचाइए. आप दोबारा नहीं बना सकते जिंदगी भर. पानी गंदा मत करिए, नेचुरल सोर्सेज गंदा मत करिए, क्योंकि पानी का जो कर्जा है ना वो बहुत ज्यादा, वो ऐसे वजन में कई जन्मों तक देना पड़ता है. अच्छा, लाल किताब का एक रेमेडी कहता है कि शनि अगर चौथे घर में हो तो छोटा सा मिल्क का कप लेके, या तो सूर्य उदय होने से पहले या शाम के बाद, कुएं में डालिए 43 दिन लगातार. एक और टेक्स्ट ये बोलता है कि पिछले जन्म में ना मासिस से लेके मतलब पूरी दुनिया से कहीं ना कुछ चुराया रहेगा, खाना चुराया होगा, इसलिए जन्म में खाना इस इंसान को ना हर जगह बदनामी मिलती है, शनि चौथे घर में मिला है. पर वो एक्चुअली ये बोलना चाहती है लाल किताब कि देखो, आपने पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो चुराया है, अभी आपको वापस देना तो कैसे दोगे. तो एक काम करो, सुबह सुबह जाके ना अर्ली मॉर्निंग जहां से लोग पानी भरते हैं उसमें दूध का कप डालिए, तो वो दूध का कप ना सबके घर में चला जाएगा, आपको किसे कर्जा उतरेगा. आज शरीर में कुआं मिलना मुश्किल है और कुएं से पानी भरने वाले लोग मिलने मुश्किल है, वो नहीं मिलेंगे. तो उससे अच्छा ये है कि आप लोगों को खाना बांटिए और चुपचाप बांटिए. इसलिए वो लाल किताब बोलती है कि सुबह और शाम को करना है, ताकि कोई देखे नहीं आपको. गुप्त दान करिए, चुपचाप दे आइए, अपना नाम मत लीजिए, क्योंकि शनि अगर चौथे घर में और आपने अपना नाम ले देना, आपको बदनामी मिलने वाली है. तो सिर्फ चुपचाप करना है, खाना देना है किसी गरीब आदमी को, बताइए मत. दैट्स व्हाट द, और सैटर्न के जितने भी रेमेडीज हैं वो अंधेरे में इसलिए करने हैं क्योंकि उसमें नाम नहीं आना चाहिए, चुपचाप करने पड़ते हैं.
वैसे भी और कहा सैटर्न जाए, जब खत्म हो जाता है ना, सैटर्न का पे बैक कर देते हो, तो लाइफ सैटर्न दुख का कारक है। और सैटर्न ऐसा दुख नहीं देता कि वो एक्सीडेंट करवाएगा, सैटर्न ऐसा दुख देता है जो ना तिल तिल करके मारता है इंसान। वो रेगुलरली ना ऐसे पिंच करता है कि ये हो नहीं रहा, ये काम नहीं हो रहा, मेरा मेरा लाइफ में ये अटका हुआ है। तो वो खत्म करने के लिए चुपचाप रेमेडी करिए, बनाया बताए किसी को। दिवांशु जी, वैसे भी कहा जाता है ना कि जब भी आप चैरिटी करते हैं लाउडस्पीकर लगा के मत करिए। वैसे भी आप एफबी पे या एफबी पे पोस्ट मत करिए अपनी अपनी डोनेशन स्लिप। हाँ ऑफ कोर्स कि मैंने ये इतना अमाउंट डोनेट किया, आपको करना आप करो, किस किस इरादे से कर रहे हैं फिर वो पता चल जाता है। यूजुअली चैरिटी जब भी करते हैं चुपचाप की जाती है, बिकॉज वो आपकी ड्यूटी एक्चुअली होती है। कहते हैं ना, हर हर रिलीजन में कहा जाता है, दसवां हो या जो भी हो, आपने अर्न किया है गिव इट टू नेचर। तो थोड़ा फनी लगता है जब लोग अमाउंट देते हैं और बोलते हैं कि हमने या ये वो फोटोग्राफ खिंचवा लेते हैं किसी को कंबल देते हुए। जी दीपांशु जी, वी गॉट अबाउट 8 मिनट्स लेफ्ट, फिर ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम इस वीडियो को काट देगा। सो आई चूज माई लास्ट क्वेश्चन। काफी लोगों ने एक्चुअली पूछा है, सो मे बी आई शुड जस्ट आस्क यू अबाउट दिस, कि रेट्रोग्रेड जुपिटर के बारे में बताइए प्लीज। रेट्रोग्रेड जुपिटर एक ऐसे प्लैनेट है जो आपको ना नॉलेज डायरेक्टली नहीं लेने देगा। आप सोचो कि आप ट्रेडिशनल स्टाइल से बुक लेके पढ़ लोगे, नहीं पढ़ लेगा। रेट्रो जुपिटर का मतलब ये है कि आपका जो रीडिंग हैबिट्स है, आपको जो गूगल, मैं हमेशा बोलता हूँ रेट्रोग्रेड हैबिट हो तो इंसान ना नॉलेज भी गूगल से नहीं ढूंढता, वो उसने बिंग डाउनलोड कर रखा होता है, जो कोई नहीं करना चाहता। उसके गुरु बहुत डिफरेंट होते हैं, बिकॉज जिनसे भी नॉलेज लेगा बहुत डिफरेंट तरीके से लेगा। सिमिलरली जो जुपिटर जो है उसका जो खाने का हैबिट है, मीठा खाने के अंदर बहुत अजीब सा एक हैबिट होगा कि लाइक मोस्टली मोस्ट ऑफ अस विल ईट स्वीट्स आफ्टर डिनर, डिनर डिनर के बाद खाएंगे। ये सुबह सुबह खा सकता है मीठा, लाइक रेट्रोग्रेड जुपिटर। आई नो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो सुबह सुबह ना कॉर्नफ्लेक्स के अंदर स्प्राइट डाल के पी जाता था, विच इज वेरी यकी। वो बहुत कम लोग कर सकते हैं। जी देन आई रियलाइज कि इसका रेट्रो जुपिटर है, इसको सुबह सुबह मीठा चाहिए इतना, वो भी अच्छा स्प्राइट मतलब जितना इतना, वो भी स्प्राइट उसमें डाल के कॉन्फ्लिक्ट में डाल के। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है, अगर आपको ठीक करना हो, जरूरत से ज्यादा खराब हो गया हो, ऐसे इंसान ना गुरु नहीं चूज कर पाता। मतलब जो मेजर इश्यू है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द फन पार्ट व्हिच आई हैव टोल्ड, एक जो मेजर इश्यू है कि जुपिटर ना भरोसा है। आपको मेरे पे कितना भरोसा है ये जुपिटर बताता है, मेरे को अपने फादर पे कितना भरोसा रहेगा मेरा जुपिटर बताएगा। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है, ऐसा इंसान ना कभी भी किसी पे भरोसा नहीं करता, वो लगातार ना यू टर्न्स लेता रहता है। गुरु बनाएगा कुछ नहीं, फिर बोलेगा नहीं चाहिए, बेकार। तो लीप ऑफ द फेथ ने जिंदगी भर नहीं ले पाता। और लीप ऑफ फेथ, फेथ इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत मुश्किल से मिलता है। मतलब आप किसी का भरोसा मत तोड़िए, किसी और के बारे में मत बोलिए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहे किसी के गुरु, ठीक है, आप यू मूव ऑन, द वर्ल्ड इज ओपन, बट आप किसी के बारे में बुरा मत बोलिए। तो रेट्रोग्रेड जुपिटर का एक रेमेडी जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि फोकस, व्हिच एवर गुरु यू हैव डन, हैव फेथ ऑन हिम एंड गो विद हिम, बिकॉज अगर आप नहीं फेथ करोगे तो आपको लाइफ में कभी भी गुरु नहीं मिलेंगे। लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। आई एग्री विद यू, समटाइम्स लगता है थोड़ा टफ है, बट आई एग्री विद यू इन प्रिंसिपल्स, ऑफ कोर्स आई एग्री विद यू, बट कभी कभी डोंट यू थिंक सो दीपांशु जी दैट एवरीवन, मैं सिर्फ गुरु की बात नहीं कर रही, आई एम जनरलाइजिंग दिस, कि समटाइम्स यू मीट पीपल दैट यू एक्चुअली यू वांट टू ट्रस्ट और यू एंड अप ट्रस्टिंग एंड देन दे ब्रेक योर ट्रस्ट, देन इन सच अ सिनेरियो हाउ डू यू टेक अ लीप ऑफ फेथ? रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ होगा, रेट्रोग्रेड जुपिटर के साथ एक बार ऐसा होगा कि ही विल शटल डाउन, कि कभी जिंदगी में भी उसको दोबारा ना खड़े होने का हिम्मत नहीं करेगा। और जिनके ऊपर भरोसा करना चाहिए, बिकॉज उसका एक हैबिट है ना कि जुपिटर का एक बार जाके वापस आना है। तो ऐसे इंसान को ना वो जो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इस तरीके से पांचों गुरु बराबर नहीं मिलेंगे, एक बार अच्छा गुरु भी मिलेगा। और वो जो पहले वाले गुरु ने सिखाया है, पहले वाले गुरु क्या सिखा के जाएगा, क्योंकि उसका पेंडिंग कर्म है ना, वो आपको बता के जा रहा है पहले से कि देखो मेरा काम तुमसे पूरा हो गया, मेरा तुमसे हिसाब किताब पूरा। अब उसने जितना भी सिखाया ना, नेक्स्ट टाइम यू आर वेरी केयरफुल अबाउट कि आप सेम मिस्टेक्स रिपीट नहीं करोगे। सीख तो ऐसी ही तो मिलती है, रेट्रोग्रेड,
Because you go through it, debilitated Jupiter, retrograde Jupiter, these are the very powerful combinations to get the Guru. But ha, Guru mil jaye is duniya mein, to aapka paar hona aasan ho jata. Okay. Thank you so much, Dipanshu ji. We're running out of time. Sure. You exude kindness, positivity, so much warmth, radiance. So I'm honestly so honored that, you know, you agreed to this live. I got you to Instagram. I'm very happy, very excited. Nice session for me as well. All your students. So all your students, you know, lagatar comments bheje ja rahe hain, and it's beautiful what you're doing, Dipanshu ji. It's absolutely beautiful. Thank you. So thank you so much. Just one last message from my end. When you do something, you do it for yourself only. It is for no one else. Because again, the goal is clear. True. So it's for me. I wanted to do it. I will do it. It's not a foundation from anyone, right? And it's for every one of my students. True. Thank you so much, Dipanshu. Okay. Thank you. It's been wonderful. Thank you.